हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सस्ते ब्लूटूथ रिसीवर की रेंज और ऑडियो की लाउडनेस टेस्ट करके दिखाने वाला हूं। आप जैसा कि देख सकते हैं, इसमें मेल टू मेल एक ऑक्स अडैप्टर मिलता है और एक यूएसबी जो चार्जिंग के लिए यूज़ होता है, और सेंटर में बटन और माइक आपको मिल जाता है, जिसका यूज़ आप कॉल रिसीव या कॉल करने के लिए भी कर सकते हैं। मैं घर में बनाया हुआ स्पीकर है जिसे मैं अपने फ़ोन से जोड़ के बजाता हूँ। आज मैं इसका यूज़ इस ब्लूटूथ की रेंज को टेस्ट करने के लिए करने वाला हूँ। सबसे पहले इस ऑक्स अडैप्टर को खोल लेते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक स्लॉट है जिसमें 3.5 mm जैक लग सकता है। तो मैं इसमें अपना स्पीकर का 3.5 mm जैक को लगा देता हूँ, और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह ये फिट हो चुका है। और मैं ब्लूटूथ को ऑन कर देता हूँ। जैसे कि आप ऑन करेंगे तो इसमें दो तरह की लाइट जलने लगेगी, रेड और ब्लू। उसके बाद मैं अपने स्पीकर को भी ऑन कर देता हूँ। इसकी बटन बहुत छोटी है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है और मुझे ऑन करने में, देख सकते हैं आप कितनी छोटी है। तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ। एक हरी लाइट जल चुकी है, इसका मतलब ये स्पीकर ऑन हो चुका है। तो चलिए इसे कहीं दूर रख के आते हैं। तो मैंने इसे ऑन करके यहाँ पर रख दिया है। चलिए देखते हैं इसका रेंज कितना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें रेड और ब्लू लाइट जल रही है, इसका मतलब मैंने अभी तक इसे कनेक्ट नहीं किया है। तो चलिए मैं इसे जल्दी से कनेक्ट कर लेता हूँ। और ये अब कनेक्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लिंकिंग करना बंद हो गया है। मैंने स्पीकर को उस कोने पे रख दिया है जो कि आप देख सकते हैं सीध में है। चलते हैं। और यहाँ मौसम भी कुछ बारिश वाला हो चुका है, और मैं वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ, और आप शायद सुन पा रहे होंगे वो हाई पिच्ड टोन जिसे यहाँ तक पकड़ रहा है। और दूर जाने की कोशिश करते हैं, वो अभी तक पकड़ रहा है, अभी तक पकड़ रहा है, और यहाँ तक वो लगभग कट रहा है। तो दोस्तों, इसकी रेंज यहाँ तक है जो कि 10 मीटर से कहीं ज़्यादा, और ये अभी तक बज रहा है। आप सुन सकते हैं कि कितना तेज़ आवाज़ है। तो आप देख सकते हैं कि मैं उस कोने में था, तो वो लास्ट वहाँ तक पकड़ा। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो अगर आप इस ब्लूटूथ रिसीवर को लेना चाहते हैं तो बेझिझक ले लीजिए, आपका पैसा नहीं डूबेगा, और आपको ये बहुत ही पसंद आएगा, और काम का भी ये बहुत है। आप इसे अपने होम थिएटर में भी लगा सकते हैं, जिसे मैं अभी आपको लगा के दिखाने वाला हूँ। और इसे लेते वक्त बार्गेन करना मत भूलिएगा। अब मैं इस ब्लूटूथ में DJ शशि का गाना लगा के इसकी लाउडनेस को टेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं धनबाद से हूँ और यहाँ DJ शशि काफ़ी मशहूर है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं फुल वॉल्यूम पे, और मैं इसका वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ाते जाता हूँ। इस ब्लूटूथ को मैंने अपने होम बूफर में लगा दिया है, और ये मेरा ब्लूटूथ बूफर बन गया है। तो चलिए देखते हैं कितनी अच्छी आवाज़ हमें सुनने को मिलती है। आपको ऑडियो फटी फटी आ रही होगी तो इसमें आपके फ़ोन के स्पीकर की, या फिर मेरे बूफर की, या फिर इस ऑडियो रिसीवर की कोई गलती नहीं है। ये मेरे माइक की गलती है जो कि इतना साउंड हैंडल नहीं कर पा रहा। अगर आप इसका यूज़ लगातार करें तो ये लगभग 1 से 2 घंटे आराम से चल जाता है, और इसके बैटरी चार्जिंग में टाइम 1.5 से 1 घंटा लग जाता है। अब वक्त हो गया है इस वीडियो को एंड करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने अपना चैनल हाल ही में स्टार्ट किया है,
तो अगर आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देते हैं तो हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहेगी।